त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में नकली मावा से निर्मित मिठाइयों की डिमांड भी काफी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर खाद्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस महकमा लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मंदिर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि भिंड से ग्वालियर की ओर आ रही यूनिक वाहन में नकली मावे से बनी मिठाइयाँ सप्लाई की जा रही हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने पे थाना गोले के मंदिर में अभी एक ट्रक, मिनी ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें जो ड्राइवर जो उसमें आरोपी है, उससे पूछताछ करने पे पता चला है कि 6 से 7 क्विंटल मिठाइयां हैं, मिल्क केक और अन्य मिठाइयां हैं, जो कि राखी और त्योहारों पे खपाने के लिए यहाँ ग्वालियर में आई थी। ये भिंड का आरोपी है और प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया है कि ये 60-70 रुपये किलो में ये मिल्क केक वहाँ पे बनता था, यहाँ आके 300 से 400 रुपये किलो में सप्लाई करता था।